दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से कैसे चेक करेंगे कि जो फ्री सिलेंडर के रुपए आपके खाते में आ रहे हैं वो आपके अकाउंट में आए या नहीं, जो जनधन खाते में 500 रुपए आ रहे हैं वो आपके खाते में आए या नहीं, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, किस डेट को कितना रुपया आया था, वो सब मैं आपको इस वाले मोबाइल में बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। और उसी तरीके से आप अपने कीपैड वाले मोबाइल, एंड्रॉइड वाले मोबाइल में भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा आया है या नहीं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है बबलू राघव, आप देख रहे हैं टेक राघव यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि मैंने कल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सब कुछ दिखाया था, उसके बाद भी काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि तुम्हारा मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड है बैंक में, आप ये फेक वीडियो बना रहे हो। इसीलिए दोस्तों मैं कीपैड वाला मैंने मोबाइल लिया है, इस नंबर से मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा और फिर मैं इसको यहाँ पे रजिस्टर करूँगा और फिर मैं अपना बैलेंस जो है वो आसानी से देख सकता हूँ। तो इसलिए दोस्तों आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, कहीं भी इसको स्किप मत करना, क्योंकि इसमें जो है मैंने कल बैलेंस दिखाया था, आज मैं आपको दिखाऊंगा स्टेटमेंट कि मेरे अकाउंट में कब कब पैसा आया है, कब मैंने निकाला है और कैश के पैसे किस डेट को आए हैं। तो चलिए फिर, तो दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको इस वाले मोबाइल में करके दिखाऊंगा उसी तरीके से आपको अपने मोबाइल में करना है और आप पूरी डिटेल देख सकते हैं और मैं आपको इसमें लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि गैस के पैसे आए हैं और उसी तरीके से आप भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कल वाले वीडियो में दोस्तों मैंने इस वाले मोबाइल से करके आपको दिखाया था तो काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि मैंने अपना नंबर जो वो पहले से बैंक में रजिस्टर करवाया था, मैसेज के लिए ऑन करवाए थे, इसलिए मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं आपको इस मोबाइल से करके दिखाऊंगा और यहाँ पर मैं ये भी दिखाऊंगा कि पहला मैसेज जो आएगा वो यही आएगा कि मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है और फिर मैं आपको रजिस्टर्ड करके दिखाऊंगा। तो चलिए फिर देखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये वीडियो को लाइक करना है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बेल आइकन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों करना क्या है आपको, जैसे कि अभी हम मोबाइल देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे इसे ऑन कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक नंबर डायल करना होगा, जैसे कि मैं SBI के बारे में बता रहा हूँ तो SBI ने एक नंबर दे रखा है बैलेंस चेक करने के लिए। ऐसे ही सभी बैंकों ने अपने अपने नंबर दे रखे हैं, तो उन सबका जो डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको, काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि फ्रॉड है, तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आप वहाँ पर सर्च करेंगे जैसे कि मान लीजिए SBI बैलेंस चेक टोल फ्री नंबर, तो इस तरीके से आपको वहाँ पर नंबर मिल जाएगा। अगर आपका SBI का है जैसे मैं कर रहा हूँ तो उसी तरीके से आपको करना है, अगर आपका और कोई बैंक का है तो जिस तरीके से मैं करता हूँ उसी तरीके से आपको करना होगा, बस यहाँ पे नंबर चेंज होगा। तो यहाँ पर SBI का जो नंबर है वो मैं आपको डाल के यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये नंबर डायल कर दिया है, ये नंबर है SBI का। इसी तरीके से आपके बैंक का भी नंबर होगा तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर नंबर जो वो डायल करना है। जैसे यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे SIM 1 और SIM 2 पूछ रहा है। दोस्तों जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पर आपको एक नंबर देना पड़ता है, तो उसी नंबर से आपको यहाँ पर कॉल करना है। लेकिन यहाँ पे मैं देखिए कॉल करता हूँ, मैंने यहाँ पे जब अकाउंट खुलवाया तो इस वाले मोबाइल का मैंने SIM 1 है जो मैंने बैंक में लिखवाया था, तो इसी से मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों कॉल जाएगा और फोन जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कट हो जाएगा, सिर्फ एक घंटी यहाँ पर जाती है। अब दोस्तों इसने यहाँ पे जो है वो नंबर को गलत बता दिया है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, जैसे कि मेरे पास ये मैसेज आ गया है, तो ये मैसेज मैं ओपन करके आपको, आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे मैसेज देख सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है डियर कस्टमर योर मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर दिस फैकल्टी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर जो वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो रजिस्टर्ड करने के लिए इन्होंने बोला है कि यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने बोला है रजिस्टर करने के लिए कि आपको एक मैसेज करना है और वहाँ पे आपको कैपिटल में लिखना है REG स्पेस देना है और आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको ये इस वाले नंबर पर इस मैसेज को सेंड कर देना है, ये वाला मैसेज है यहाँ पर, इसको सेंड कर देना है। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कि मोबाइल नंबर मेरा यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पर अब इसको मैसेज करता हूँ। मैसेज करने के लिए आपको करना क्या होगा, वो नंबर आपको पहले यहाँ पे कहीं पे नोट कर लेना है। तो वो जो नंबर था वो ये था, यहाँ पे दोस्तों ये नंबर मैंने यहाँ पे डायल कर दिया है। अब इसके बाद में क्या है दोस्तों, आपको मैसेज में लिखना है कैपिटल में REG, अब आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद में फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर डालकर आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है वो नंबर डाल दिया है, अब यहाँ पे मैं सेंड करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे SIM 1 ही चुनूंगा क्योंकि SIM 1 से जब मैंने अकाउंट खुलवाया तो यहाँ पे SIM 1 का नंबर लिखवाया था। तो अब मैं इसको मैसेज यहाँ पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैसेज मेरा जो है वो जा रहा है, अब यहाँ पे मेरा मैसेज जो है वो पहुँच गया है और यहाँ से मेरा 1.5 रुपया जो है वो कट गया है, क्योंकि कीपैड वाले मोबाइल में जो है ज़्यादातर मैसेज जो फ्री नहीं मिलते हैं। अब हल्का सा दोस्तों आपको वेट करना है, आपको एक और मैसेज आएगा। तो यहाँ पर मुझे एक और मैसेज आ गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल आपके सामने ही मैसेज आया है। अब आपको ये मैसेज मैं ओपन करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैसेज जो आया है मुझे ये आया है, डियर SBI कस्टमर योर आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गया है। तो दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर्ड हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है। आप यहाँ पे देखेंगे फोर फुल लिस्ट ऑफ सर्विस SMS एस हेल्प टू, और यहाँ पे नंबर दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे हेल्प लिखकर कैपिटल में इस नंबर पे मैसेज करता हूँ तो यहाँ पर मुझे पूरी डिटेल आ जाएगी कि इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको जो बैलेंस पता चलेगा, और अगर आप इस नंबर पे फोन करेंगे तो आपको यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट आपका आ जाएगा। तो वो लिस्ट जो है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि 150 रुपये कट रहा है तो यहाँ पे इसमें अब बैलेंस भी नहीं है। तो ये दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ। चलो मैं दोस्तों मैं इस वाले मोबाइल में दिखा देता हूँ कि अगर आप हेल्प करके मैसेज करते हैं तो आपको कौन सा मैसेज आता है। तो दोस्तों देखिए ये है वो मैसेज, आप कैपिटल हेल्प लिखकर उस नंबर पर सेंड करेंगे तो आपको ये वाला मैसेज यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पे ये नंबर दे रखे हैं, जैसे अगर आप इसको डीएक्टिवेट करना चाहें तो आपको इस वाले नंबर पर जो है वो कॉल करना होगा। अगर आप यहाँ पे बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो ये वाला नंबर है 9223 76 और 666 फिर 6। अगर आप मिनी स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं, आप चेक करना चाहते हैं कि कब आपको पैसा आपके अकाउंट में आया, कब आपने निकाला, जैसे कि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि गैस का जो पैसा आया है वो मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, तो वो आपको इस वाले नंबर पर जो है वो कॉल करना होगा। वो मैं आपके सामने ही यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9922386666। अब देखिए मैं इस वाले नंबर पे कॉल करता हूँ, SIM 1। काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि नंबर जो है वो गलत दिखाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बताता है। यहाँ पे देखिए मैसेज आ चुका है मुझे, यहाँ पे आप ये वाला मैसेज देख रहे हैं, मैसेज मुझे आ चुका है। अब मैं ऐसे ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अब दोस्तों अब यहाँ पे देखिए कि मैसेज जो है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बैलेंस जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 9907 रुपये। इसके साथ ही यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 9/4/2020 को, यहाँ पर एक गैस के रुपए आए हैं 760 रुपये, और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि बाकी जो 70 रुपये उसके हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये 760 रुपये जो आए हैं वो मुझे गैस के आए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई और बैंक है तो उसके बारे में जो है सभी बैंकों के नंबर जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूं, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आओ तो प्लीज लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं। बाकी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं मुझे फॉलो करके। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।